खुशी है इतनी ज्यादा। किस बात की खुशी है इतनी ज्यादा? ये जो है पश्तूनों का रवायती यतन है, ये जंग से पहले भी जोश लाने के लिए भी करते हैं, ये खुशी में भी करते हैं, यार माहौल में करते हैं। अच्छा, तो खुश है आज बहुत ज्यादा? आज जो है ये आपको पता है मुकाबला है, मुकाबले से पहले भी जब जंग में भी जा रहे होते हैं पश्तून तो ये पहले रवायती यतन करके उस जोश जज्बे के साथ जाते हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आज? हुकूमत जो है इम्पोर्टेड सरकार सिर्फ अपनी चोरियां बचा रही है, NRO2 ले लिया है, गरीबों पे बम गिरा रही है, आपको पता है कि महंगाई के तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए आए हैं, इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सलामती बेच दी, पाकिस्तान की खुदारी बेच दी, गैरत बेच दी, आज भिखारी खुद बने हुए हैं। आज ये लोगों को कह रहे हैं कब चाय ना पिए, लोगों को कह रहे हैं कि क्या होता है करप्शन से, करप्शन के बावजूद भी मुल्क तरक्की करते हैं, ये मेरा ख्याल है। इनको पता है ये रस्तू हैं, इनको ज्यादा पता है। पाकिस्तान की कौम एक गैरतमंद कौम है, खुददार कौम है, ये मेहनती कौम है, ये कभी भी किसी के आगे घुटने नहीं टेकेगी। ये हमेशा अगर कोई भी इस तरह की दोबारा ये जो रिजीम चेंज का फार्मूला है ये दफन हो जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में। इमरान खान को कब तक वजीर आजम देख रहे हैं दोबारा? आप खाली जनरल इलेक्शन तो कराएं, पता चल जाएगा इस कौम को कि ये लुटेरों के साथ अवाम क्या करती है। इनको एब्सोल्युटली नॉट कहेंगी पूरी अवाम और इमरान खान को एब्सोल्युटली यस कहेगी ये कौम। आज इस वक्त हम परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, बाबर अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अवान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अपना कमेंट कीजिएगा। कुकड़ी जबा हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज का जलसे के हवाले से बताइएगा, कल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना क्राउड आ सकता है? क्राउड नहीं आएगा, समंदर आएगा।